वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे आप मैं तीन तरह के समोसे बनाने के रेसिपी बताऊंगी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चिकन टिक्का समोसे उसकी मैरिनेशन के लिए मैंने तीन प्याज़ लिए हैं उसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे विथ थ्री ग्रीन चिलीज़ ऑयल हम टू टेबल स्पून ऑयल लेंगे उसमें हम लहसन और अदरक का पेस्ट वन टीस्पून ऐड करेंगे फिर जो हमने प्याज़ और हरी मिर्चें ली थी उसको हम पैन में ऐड कर देंगे टिल द टाइम उसका पानी ड्राई ना हो जाए अब इसमें हम शान का चिकन तिक्का मसाला तकरीबन वन टेबल स्पून ऐड करेंगे और उसको हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक प्याज थोड़ा बहुत कलर चेंज ना कर ले। अब इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे इट विल बी एज पर द टेस्ट गरम मसाला ऐड करेंगे वन टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून अब हम टू फिफ्टी ग्राम्स ऑफ चिकन मिन्स इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम उस वक्त तक भुनेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले अब इसमें हम हाफ टी स्पून ऑफ रेड चिलीज ऐड करेंगे ये देखें एट द एंड हमारी इसकी शेप कीमे किस की तरह हो गई है अब हम इसमें क्रश रेड चिलीज़ एंड एट द एंड ऐड करेंगे और इसको हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक हमारा पानी ड्राई ना हो जाए कीमे का ये हमारी फर्स्ट तैयार हो गई है समोसे की अब हम सेकेंड स्प्रिंग समोसाज ये चाइनीज़ समोसे आप इसको कह लें इसमें हम आ, वन कैप्सिकम ले लेंगे टू कैरेट्स ली हैं मैंने टू हंड्रेड ग्राम्स ऑफ चिकन विंस लिया है और हैंडफुल ऑफ कैबेज अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे टू टेबल स्पून ऑफ ऑइल में उसमें हम चिकन का कीमा ऐड कर देंगे साथ ही हम अपनी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे कैप्सिकम कैरेट्स अब इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे टू टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस हम इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच भर के हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे सॉल्ट हम इसमें थोड़ा सा लेस रखेंगे बिकॉज सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है इसको जस्ट हमने इतना फ्राई करना इसको ओवर कुक नहीं करेंगे कि हमारा जो चिकन मिन्स है वो अपना कलर चेंज कर ले लिटल बिट ऑफ हम इसको जो है इनकॉर्पोरेट हो जाए अच्छी तरह मसाले में ये देखें जी ये हमारी फ़ाइनल लुक है हमारी सेकंड समोसा फिलिंग की इन इसको हम ठंडा कर लेंगे एंड देन हम इसको फिलअप करेंगे ये हमारी थर्ड है हम कीमे की बनाएंगे बेसिकली हमने टू टेबल स्पून ऑफ ऑयल उसमें लहसन अदरक का पेस्ट डाल देंगे एक चम्मच कीमा डालेंगे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले अब हमने ज़ीरा और धनिया जो है इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है इसका टेस्ट ड्रेसिंग में बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू विल ईट आपको इसका जो है अरोमा यू विल फील दैट अब इसमें हम ये चिकन स्टॉक ऐड कर देंगे लाइक टू टेबल स्पून वट एवर यू फील लाइक एज़ पर योर क्वांटिटी ऑफ क्या आप कितना बना रहे हैं मैं जस्ट जो है टू हंड्रेड ग्राम्स का बना रही हूँ अब इसमें हाफ टेबल स्पून ऑफ रेड चिली मैंने ऐड कर दिया ये हमने अपनी हरी मिर्चें क्रश कर ली हैं विद और ये हमारा हरा धनिया तकरीबन चार हरी मिर्ची थी जो हमने क्रश करके इसके अंदर कूट के अच्छी तरह से इसमें डाल दिया अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे एज़ पर टेस्ट मैं तकरीबन वन टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें हम हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया अभी हमने तकरीबन दो मीडियम साइज़ के प्याज को ऑमलेट कट कर लिया है इसको हम इतना कीमे के साथ फ्राई करेंगे कि इसका जो है पानी जस्ट कोश हो जाए एंड में हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया दिस इज़ द थर्ड समोसा फ़िलिंग अब मैं आपको टू वेज बताऊंगी हाउ यू कैन फिल इट इन समोसा पट्टी कि आप इसको किस तरह से फ़िल uh, कर सकें स्वीट्स की मैंने ली हैं इनकी बहुत अच्छी होती हैं मैंने तीनों uh, समोसों को इस फ्रोज़न uh, किस तरह से आप कर सकते हैं एक मैंने बेसिकली प्लेट ली थी वो प्लास्टिक की प्लेट थी उसमें मैंने लास्ट लेयर में ऑयल लगाया एंड देन समोसा एंड देन मैंने उसके ऊपर समोसा क्लिंग रोल लगा लिया था उसके ऊपर एंड देन इसी तरह सेकेंड लेयर एंड क्लिंग एंड देन थर्ड लेयर एंड क्लिंग चलिए जी स्टार्ट करते हैं आपने इसका यूँ वी बना लेना है या ट्राइंगल बना लेना है ऑपोजिट साइड पे आपने इसके लही लगा लेनी है ये बेसिकली वाइट आटा है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको थिक सा उसका वो बना लिया मिक्सचर आप अंडे से भी कर सकते हैं ये देखें प्रॉपर वी बन गया इसका ओके अब तो आपने जो भी इसमें फिलिंग ऐड करनी है आप इसके अंदर ऐड करेंगे ओवर फिल ना करें अपने समोसों को देखें आपका वी कितना बन रहा है उसे थोड़ा सा इटल डाउन ही होना चाहिए ये देखें चारों साइडों पे आप अच्छी तरह से अपनी लई लगा लें आप इसको बेसिकली लई कहते हैं ये देखिए ये देखिए इस तरह से आपका समोसा बन के रेडी हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट कहीं से देखें ओपन नहीं है बिल्कुल परफेक्ट शेप है इसी तरह से आप करते रहेंगे नाउ दिस इज़ द सेकंड वे ओके उसमें हमने बिल्कुल समोसे की पट्टी को साथ लगाया था अब हम उधर से हम तकरीबन एक इंच का आगे से उसको आगे की तरफ रखेंगे अपनी पट्टी को अब ये देखें इस तरह से हमारी थोड़ी सी शेप चेंज हुई है यहाँ से इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे इसी तरह हम थ्री साइड्स पे अपने लई लगाएंगे और इसको हम इस तरह से ओवरलैप कर देंगे ये देखें जी